से मुंगेर के 4500 वार्ड में घर घर घूम के 100 कार्यकर्ताओं को जांच के परख के हम लोगों ने भाजपा में शामिल किया है। यह मुंगेर सीट जो है हर हाल में मुख्यालय सीट है। पहले भी बीजेपी यहां से चुनाव लड़ी थी, अकेला जब बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो मात्र 4000 के वोट से यहां पे पराजित हुआ था, तो यह ऑलरेडी बीजेपी का सीट है। अगर मेरा हक अगर कोई मारेगा तो इसके लिए सामूति इस्तीफा के साथ साथ अगर जन आंदोलन करना पड़े तो जन आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम करना पड़े तो चक्का जाम करेंगे, लेकिन ये सीट हमारे भाजपा के झोली में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरे 15 साल मैंने NDA गठबंधन को दिए हैं, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। भाजपा नगर के विभिन्न मंच मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक में हुआ जमकर हंगामा। सालों से मुंगेर के 4500 वार्ड में घर घर घूम के 100 कार्यकर्ताओं को जांच के परख के हम लोगों ने भाजपा में शामिल किया है। वो इसलिए नहीं कि ये मुंगेर की सीट जदयू के खाते में चला जाए। मुंगेर भाजपा सीट को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। हमारे माननीय सांसद ललन सिंह को मैंने 10 साल दिया, मैंने लोजपा को 5 साल दिया, तो मेरा वाजिब हक बनता है अगर मेरा हक अगर कोई मारेगा तो इसके लिए सामूति इस्तीफा के साथ साथ अगर जन आंदोलन करना पड़े तो जन आंदोलन भी करेंगे। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुंगेर विधानसभा सीट अगर भाजपा के शीर्ष नेता नहीं देते हैं तो हम लोग जेडीयू के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे और इस सीट से भाजपा की तरफ से हार की सीट देखनी होगी, नहीं तो हम लोग इस्तीफा देंगे। अगर हमारी पार्टियों को नहीं माना जाएगा, अगर यहाँ पर कैंडिडेट हमारे मन मुताबिक नहीं मिलेगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। देख रहे हैं कि कैसे आक्रोश में है हमारे युवा साथी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम लोग एक साथ आवाज उठाएंगे और आंदोलन और तेज करेंगे। हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसी को देखकर सभी युवा साथी जुड़े हैं। ये मुंगेर का सीट जो है भाजपा का पहले से भी था और आज भी हम मांग कर रहे हैं कि ये सीट भाजपा को ही मिले, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत से और ईमानदारी से भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा में काम कर रहे हैं। भाजपा का जो बेदाग हो, स्वच्छ छवि का हो, व्हाइट कॉलर वाले हो, जनता उनको जान रही हो, जनता के बीच में उनका जो पहुँच है, मैं वैसा ही प्रत्याशी और जो लोकल मोदी जी का जो मूल मंत्र है लोकल और वोकल, मुझे मुंगेर का लोकल प्रत्याशी चाहिए। जिनके घर जाने में हम अगर पैदल भी जाए तो हमें 10 से 15 मिनट मिले, हमको उनको ढूंढने के लिए बरियारपुर नहीं जाना पड़े, उनको ढूंढने के लिए लखीसराय नहीं जाना पड़े, मुझे लोकल प्रत्याशी चाहिए और युवा साथी चाहिए। दरअसल चुनाव का समय नजदीक आते देख सीटों को लेकर सभी दल अपनी अपनी मांग शीर्ष नेता के पास रख रहे हैं। अगर ये सीट जदयू को जाती है, हमारे ये बहने ये जो है सिर्फ भाजपा के लिए काम करती है, माना कि ये गठबंधन का सरकार होता है, लेकिन हमें मुंगेर में सिर्फ और सिर्फ भाजपा सीट चाहिए। घर जा करके सारे जनता को जगाए हैं भारतीय जनता के पार्टी के लिए और हमें भारतीय जनता पार्टी का सरकार चाहिए मुंगेर में। वहीं इसी को लेकर आज भाजपा नगर के विभिन्न मंच मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक त्रिमूर्ति पैलेस गुमटी नंबर 2 में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष अजीत कुमार छोटू ने की। इसमें अतिथि के रूप में पूर्व नगर अध्यक्ष वेद प्रकाश और वार्ड पार्षद सुजीत पोद्दार तथा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमेधा आर्या मौजूद थी। मैंने जो वृक्ष को रोपा है, मैंने सींचा है, पूरे 15 साल 20 साल भाजपा को दिया है और अब जब फल लगने की बारी आई है, अगर कोई दावा करता है कि वो फल मैं तोड़ूंगा तो ऐसा नहीं होगा। आपने TV पर एक ऐड देखा होगा, आपने बच्चों के का एक ऐड देखा होगा, एनर्जी, लेकिन मैं बीजेपी एनर्जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम्।
इस कार्यक्रम का संचालन महामंत्री आनंद प्रकाश उर्फ सोमू सिन्हा ने किया। बैठक में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को देखते हुए एक तरफ जहां प्रसन्नता हो रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ निराशा भी हो रही है। मैंने जो वृक्ष को रोपा है, मैंने सींचा है, पूरे 15-20 साल भाजपा को दिया है, और अब जब फल लगने की बारी आई है, अगर कोई दावा करता है कि वो फल मैं तोड़ूंगा तो ऐसा नहीं होगा। आपने टीवी पर एक ऐड देखा होगा, अपने बच्चों के का एक ऐड देखा होगा, बूस्ट 10 सेकड़ा का माई एनर्जी, लेकिन मैं बीजेपी 10 सेकड़े को माई एनर्जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी के मन में यह आशंका हो रही है कि कहीं यह सीट एनडीए में दूसरे घटक दल के पास ना चला जाए, क्योंकि जदयू कार्यकर्ता बार बार मुंगेर सीट पर दावा करते हुए भ्रम फैला रहे हैं। वहीं इसी बात को लेकर कई नेता और कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और मुंगेर विधानसभा को भाजपा सीट की मांग करने लगे। अपना मुंगेर के लिए अभिषेक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।